नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र आपका इंडिया एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो हम बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित आपके जितने भी डाउट हैं, जितने भी प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित इलाहाबाद विश्वविद्यालय संबंधित, वो सभी इसमें समाधान करूँगा। सभी क्वेश्चन का आंसर देने का मैं प्रयास करूँगा। अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय का फॉर्म भरें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो आप अंत तक देखिए और देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला पूरा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय संबंधित आप किसी भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए जहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ, वहाँ आपको क्लिक करके सब्सक्राइब करना है। चलिए तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सबके लिंक नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इंडिया एजुकेशन हब को, और मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसका भी नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको अपडेट जल्दी मिलेगी। तो एंट्रेंस एग्जाम पहला क्वेश्चन जो आपका एंट्रेंस एग्जाम वर्सेस मेरिट, तो क्या आपका एंट्रेंस एग्जाम हो गया या मेरिट होगा, ये बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है, अभी भी क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आपका एंट्रेंस एग्जाम का शेड्यूल आ चुका है, तो मान के चलिए आपका एंट्रेंस एग्जाम ही होगा। पहले आपके न्यूज़पेपर में आया था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अगर एंट्रेंस एग्जाम नहीं करा पाता तो आपका मेरिट पे लेगा, लेकिन अब सभी के आपके एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, हर यूनिवर्सिटी से, BHU से लेकर आपका DU का भी हो रहा है, तो सब यूनिवर्सिटी आपके एंट्रेंस एग्जाम करा रही है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपका एंट्रेंस एग्जाम कराएगा। ठीक है, ये मान के चलिए एंट्रेंस एग्जाम का होगा 100%। ठीक है, और जो डेट उसने दी है उसी डेट पर आपके होने की संभावना है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का डिटेल शेड्यूल नहीं आया, लेकिन जो उसकी एक्सपेक्टेड डेट है वो आपकी आ चुकी है, उस पर वीडियो हमने पहले आपको बताया, तो वो आपको पता होगा 21 तारीख से आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम शुरू होने की संभावना है 21 सितंबर से। उसका डिटेल शेड्यूल जल्दी ही आएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने का लास्ट डेट वो आपका 5 सितंबर, यानी आज आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने का अंतिम डेट है, और आज आपका शिक्षक दिवस है, तो आप सभी के लिए शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आप अपने सभी टीचरों के एक बार, जो पुराने टीचर हैं जहाँ स्कूल में आप पढ़े थे, कॉलेज में पढ़े थे, उनसे एक बार बात कर सकते हैं, उन्हें मैसेज कर सकते हैं, उन्हें शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दे सकते हैं। ये आप प्रयास करिएगा, अपने पुराने शिक्षकों से आप बात करिएगा, उन्हें अच्छा लगेगा। चलिए तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने का लास्ट डेट भी आपका 5 सितंबर है, यहाँ देख सकते हैं आप, तो सभी कोर्सों का 5 सितंबर है, यानी कि आज अंतिम दिन है, तो जो भी आपके मित्र हैं, भाई बहन हैं, जो भी आपका फॉर्म भरने से वंचित रह गया, उससे आप एक बार कॉल करके या फ़ोन करके बता दीजिए कि आज लास्ट डेट है, जल्दी से फॉर्म भरना चाहें तो भर सकते हैं, अभी भी समय है, कुछ घंटे हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लास्ट डेट आपका दिया हुआ है। कई बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय की आपकी लास्ट डेट बढ़ी है फॉर्म भरने की, तो इस बार लास्ट डेट फॉर्म भरने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि सितंबर में आपके एग्जाम है, तो अब आपके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराएंगे, अब आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट नहीं बढ़ेगी, उम्मीद बहुत कम है, इसलिए आप आज ही फॉर्म भर लें, जिसका बचा है पेमेंट करने को बचा है तो वही आज ही पेमेंट कर दें, बता दीजिएगा सभी मित्रों के लिए, अपने वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा आपको देखने के बाद में। और देख लीजिए एंट्रेंस एग्जाम का आपका डिटेल में जो टाइम टेबल है, जो आपका शेड्यूल आएगा, वो भी आपका इसी वीक आने वाला था लेकिन अभी तक नहीं आया, तो अगले वीक आपके आने की उम्मीद है। पूरा डिटेल में आपके जो भी डेट हैं वो आपको पता लग जाएंगे, BA का किस दिन है, BSc का किस दिन है, BSc मैथ का किस दिन है, BSc होम साइंस का किस दिन है, और आपके जो PG के एंट्रेंस एग्जाम है BEd का किस दिन है, तो LLB का, BLLB सबका डेट आपका डिटेल शेड्यूल नहीं आया, अभी सिर्फ उसने एक्सपेक्टेड डेट दी थी कि UG के एंट्रेंस एग्जाम इस डेट होंगे, PG के इस डेट के होंगे, LLB BLLB के इस डेट होंगे। ठीक है, उसका डिटेल शेड्यूल आपको आने को, किस स्थिति में होगा, क्या आपका समय रहेगा और ऑफलाइन रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, वो डिटेल आपको आने को है। ठीक है, चलिए जल्दी ही आएगा, एक वीक के अंदर अंदर आ जाएगा, चिंता मत करिए। एग्ज़ाम का मीडियम, ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट का था कि आपका मीडियम क्या रहेगा एग्ज़ाम का, तो आपका जो एग्ज़ाम का लैंग्वेज रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई छात्रों का था, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, तो चिंता मत करिए, आप हिंदी के स्टूडेंट तो हिंदी भी आप पढ़ के दे सकते हैं, इंग्लिश भी तो इंग्लिश पढ़ के दे सकते हैं, दोनों में आपको क्वेश्चन पेपर रहेगा, तो उसकी चिंता मत करिए कि सिर्फ इंग्लिश में आएगा, हिंदी में भी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका गैप ईयर वाले स्टूडेंट का क्या होगा। देखिए जो गैप ईयर है, जिनका 1 साल का गैप ईयर, उनके 5% नंबर कटेंगे, जिनका 2 साल का गैप उनका 10% कटेगा, जिनका 3 साल का गैप उनके 15% नंबर कटेंगे। मैक्सिमम आपके नंबर अगर 3 साल से अधिक आप गैप है तब भी आपके सिर्फ 15% आपके नंबर कटेंगे, जो एंट्रेंस एग्जाम के आपके नंबर आएंगे उसमें से आपके कटेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं, ये आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रॉस्पेक्टस से मैंने लिया है, तो वहीं उसका लिखा हुआ देख सकते हैं, हर ईयर के लिए आपके 5% आपके नंबर कटेंगे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे, उसके बाद आपके मैक्सिमम आपके 15% नंबर कटेंगे जो आपके 3 साल के लिए, 1 साल के 5%। जिन छात्रों ने 2019-20 में आपका पास किया उनका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। आगे देख लीजिए नेगेटिव मार्किंग, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है किसी भी कोर्स में। ठीक है, UG के कोर्सों में तो डायरेक्ट से मेंशन किया कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं, PG के कोर्सों में डायरेक्ट मेंशन नहीं किया, लेकिन मैंने जो हेल्पलाइन नंबर था उस पर कॉल करके पूछा था, तो उन्होंने कहा PG में ही आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप चिंता मत करिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किसी भी आपके कोर्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा था, तो मैंने सोचा इसका भी आपको आंसर दे दूँ।
जब आप इंट्रेंस एग्जाम देंगे तो उस पर एक बार जो आपका ऑफलाइन रहेगा तो उसमें आपके निर्देश दिए रहेंगे पहले पृष्ठ पे, और ऑनलाइन रहेगा तब भी आपको निर्देश दिए रहेंगे, आपको एग्जाम देने से पहले उनको पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको डायरेक्ट मेंशन रहेगा आपका नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। एग्जाम देने से पहले देख लीजिएगा, अगर आपका नेगेटिव मार्किंग है तो उस हिसाब से आपके आंसर करने, और नहीं है तो आपको सभी के आंसर आपके करने रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा आपका ये मान के चलिए, लेकिन एक बार एग्जाम देने से पहले भी आप देख सकते हैं। और बाकी जो आगे मैं हेल्पलाइन नंबर भी बताऊँगा उसमें आप एक बार फिर से कॉल करके अपने आप से कंफर्म करिएगा कि आपके इलाहाबाद विद्यालय में आपके नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, जिस कोर्स की आप तैयारी कर रहे हैं उस कोर्स के बारे में पूछ लीजिएगा। मैं आपको नंबर भी बताऊँगा, उससे मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया तो हेल्पलाइन नंबर से, और बाकी मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार कन्फर्म आप भी कर लीजिएगा, मैंने तो कन्फर्म किया था तो उन्होंने मुझे नहीं बताया था, और आप भी एक बार कन्फर्म करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमारे एडमिट कार्ड कब आएंगे। जब इंट्रेंस एग्जाम का आपका डिटेल में आपका शेड्यूल आ जाएगा, टाइम टेबल आ जाएगा, पता लग जाएगा किस दिन आपका कौन सा इंट्रेंस एग्जाम है, किस पाली में, उसके बाद जो आपका इंट्रेंस एग्जाम डेट रहेगा उससे आपके एक हफ्ते पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। वन वीक पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे, उसमें आपको पता लगेगा आपका एग्जाम ऑफलाइन है ऑनलाइन है, और उसमें डेट भी पता रहेगी और आपके किस पाली में सब आपको मेंशन रहेगा। तो एक हफ्ते पहले आपके इंट्रेंस एग्जाम के एडमिट कार्ड आ जाएंगे आपके। लास्ट वीडियो में मैम ने आपको बताया था, पूरा डिटेल दिया था उसमें, जो आपकी न्यूज़ थी उन्होंने आपको बताया, तो उसमें आपको पता लग गया होगा कब आपके जो आपके एडमिट कार्ड आने की उम्मीद है और कब आपकी परीक्षा तिथियों की आने की उम्मीद है, वो सब उसमें बताया था मैम ने, उसको आप देख लीजिए अभी तक आपने नहीं देखा है तो। चलिए आगे देखते हैं, इलाहाबाद विद्यालय से संबंधित आपकी कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, कोई भी प्रश्न है, तो उसके लिए आप सीधे इलाहाबाद विद्यालय संपर्क कर सकते हैं। उसके हेल्पलाइन नंबर यहाँ दिए गए हैं, दिए देखते हैं, दो हेल्पलाइन नंबर हैं आपके। कोई भी आपको नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, आपको करेक्शन करना है, ट्वेल्थ के मार्क्स के संबंध में आपको कोई भी डाउट है, तो सीधे आप इन दो नंबर में से एक नंबर तो आपका लगता है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मेरी भी बात हुई है तो आपकी भी बात हो सकती है, तो आप कॉल करिए। दूसरा आपका जो ईमेल आईडी, इस पर भी आपका रिस्पॉन्स आता है, इस पर भी रिप्लाई आया था, तो इस पर मैंने मेल किया था, तो आप भी इस पर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, कोई भी प्रश्न है, तो उसको आप इलाहाबाद विद्यालय से अंदर आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो ए यू से आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम संबंधित कोई भी डाउट है तो उनसे आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, टेक्निकल हो कुछ भी हो तो उनसे आप डायरेक्ट संपर्क करिए, अपनी समस्या पूछिए, नेगेटिव मार्किंग बारे में भी पूछ लीजिएगा कॉल करके, मैं चाहता हूँ जैसे कि आपको कन्फर्म हो जाए कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, और भी कोई समस्या तब भी आप उसमें क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपका इलाहाबाद विद्यालय का आपके हेल्पलाइन नंबर है, ये देख लिए, ये आपकी ईमेल आईडी, इस पर आप मेल कर सकते हैं नीचे दी गई, और ये दो आपके हेल्पलाइन नंबर है, इन पर आप कॉल कर सकते हैं। तो ये था आपका इलाहाबाद विद्यालय संबंधित आपके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो आपके डाउट थे, जो भी आपकी समस्याएं थी, सबको लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था, इसमें अंतिम डेट भी आपकी आज ही है फॉर्म भरने की। तो इसको उम्मीद करता हूँ आपके जितने भी डाउट हैं, जितनी भी समस्याएं, सब आपके दूर हो गई होंगी, और जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, पेमेंट नहीं किया, तो पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि आज ही अंतिम डेट है, इसके बाद आपको डेट बढ़ने की उम्मीद बहुत कम है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, जो भी आपके फेसबुक ग्रुप हैं या व्हाट्सएप ग्रुप हैं सबको आपको शेयर करना है, और पर्सनल भी लोगों को आप मैसेज कर दीजिए, क्योंकि आज अंतिम डेट है, तो उसको भी बता दीजिएगा, ठीक है, और ये वीडियो भी आप शेयर कर दीजिएगा। और अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और आपके लिए शिक्षक दिवस की एक बार फिर से इंडिया जोन आपकी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने सपनों की दुनिया में कामयाब होइए।